हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुखविंदर कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, GGDST कॉलेज हरियाणा होशियारपुर। आज असी नवा टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं, मैथ्स। जिस तरह बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है साढ़े पेपर का नाम है, तो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स साढ़े मैथ्स, डिटामीनेंट्स, उस तो बाद डेरिवेटिव्स, तो मैक्सिमम मिनिमम। मैथ्स एंड डिटामीनेंट्स एक टॉपिक है, डेरिवेटिव्स ते दूसरा टॉपिक है, एंड तीसरा टॉपिक जो मैथ है मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो फस्ट टॉपिक जिहड़ा असीं अज करन जा रहे हैं, इस तो पहला असीं मैथ्स दे सारे टॉपिक जिहड़े स्टैट दे कुछ एक टॉपिक, सारे टॉपिक स्टार्टिंग दे सारे टॉपिक लाइक मीन, मीडियन, मोड डिटेल दे विच कर चुके हैं। तो अज असीं ये टॉपिक शुरू करांगे। अज असीं इहदे विच देखांगे कि मैथ्स की हुंदी है एंड मैथ्स दी टाइप्स की ने, क्योंकि बेशक थ्योरी का पार्ट है बट जदों असी मैथ्स करनी आ, जदों असी न्यूमेरिकल भी करने हैं तो सानू टाइप्स की नॉलेज होना, डिटेल दे विच टाइप्स का पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए असी पहला मैथ्स का मीनिंग ते उस दीयां टाइप्स के बारे गल करांगे अज दे लैक्चर दे विच। मैथ्स की है, सब तो पहला तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, इन अदर वर्ड्स अ सैट ऑफ एम एन नंबर्स। एम जी एम एन नंबर्स का जो एक सैट होएगा उसनों तुसी मैट्रिक्स कहोगे। कदों अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, टू बी रीड बाय एम बाय एन मैट्रिक्स। मीनस जदों थोड़ी एक मैट्रिक्स होनी है, वो रोज़ जिहड़ियां होनियां जिन्हों तुसीं हॉरीजोंटल लाइन कह दिंदे हो, वो एम दे नाल डिनोट की जाएगी, तो कॉलम्स जिन्हों तुसीं हॉरीजोंट वर्टिकल लाइन कह दिंदे हो, वो एम एन दे नाल डिनोट किए जाएंगे, तो वो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स होएगी और उसनों तुसीं एम एन मैट्रिक्स जिहड़ी वो पढ़ोगे। मीनस जे सिंपल जे सिंपल वर्ड्स दे विच दसना होवे, जदों तुसीं रोज़ एंड कॉलम्स नूं अरेंज कर दिंदे हो तो उसनों असीं मैट्रिक्स कहिंदे आ। सिर्फ उदा ही नहीं, जदों असीं रोज़ ते कॉलम्स नूं अरेंज कर दिंदे आ ते बाद विच उहनां नूं स्पैशल टाइप ऑफ ब्रैकेट्स लाइक जिस तरह मैं दिखाईआं होईआं इत्थे, जां ते इह ब्रैकेट हुंदी है जां दूसरी है गोल वाली ब्रैकेट जां इह लास्ट जिहड़ी थर्ड ब्रैकेट है, इस तरह इह ब्रैकेट्स होणगीआं। जदों तुसीं जां इस ब्रैकेट दे विच इहनूं रख दोगे अरेंज कीते नंबर्स एंड कॉलम्स नूं, तो उसनों तुसी मैट्रिक्स कहंदे हो। तो मैट्रिक्स किदा लिखी जाती है, देखो एक एग्जाम्पल तुहाडे सामने है, देखो ए। अच्छा, इत्थे मैं एक होर दस दिया कि जिहड़ी मैट्रिक्स हैगी आ उहनूं तुसी कैपीटल लैटर दे नाल डिनोट करदे हो, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स, वाई मैट्रिक्स, जैड मैट्रिक्स, एक कैपीटल लैटरस दे नाल डिनोट होएगी। तो जिहड़ी उहदे विच एंट्री होएगी, जिस तरह इत्थे तुसी सामने एंट्रीज देख रहे हो, विच ए स्मॉल लैटर नाल कीतियां जाणगीआं। मैट्रिक्स जिहड़ी आ वो कैपिटल लैटर नाल डिनोट होएगी, तो उहदे विच जिहड़ियां एंट्रीज आ इहनां नूं असीं एंट्रीज भी कहांगे ते एलीमेंट्स भी कहांगे, इह स्मॉल लैटर नाल जिहड़े आ लिखे जांदे आ, स्मॉल लैटर दे नाल डिनोट कीते जांदे आ। हुण देखो तुहाडे सामने हैगा ए वन वन, ए वन टू, ऐसे तरह ए वन थ्री, ए वन फोर, ए वन फाइव, अप टू ए आई एन, मीनस ए वन एन सॉरी। इहदा मतलब की है, वन वन का मतलब की है फस्ट रो फस्ट कॉलम, वन टू का मतलब की है फस्ट रो सैकेंड कॉलम, वन थ्री होएगी इस तरह वह मतलब की होएगा फस्ट रो थर्ड कॉलम, तो वन एन की है फस्ट रो एंड एंथ कॉलम। हुण तुसी दूसरी साइड नूं देखो वर्टिकली, ए टू वन, ए थ्री वन, दैन अप टू ए एम वन। हुण वन तो तुहाडा कॉलम हो गया, टू की है सैकेंड रो, थ्री की है थर्ड रो, इस तरह फोर होएगा तो फोर्थ रो, एम की है एम थ्रो, क्योंकि असी मैट्रिक्स कि लिखनी सी एम रोज तो एन कॉलम्स, इसलिए जो ये बंद होएगी इतने एम एन आ जाएगा, इट मीनस एम थ्रो एंड एनथ कॉलम, तो यह बन जाएगी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। मीनस जो अगे मुहरे सफिक्स के हेठा तुम लिखे हुए है वन 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 टू वन थ्री वन फोर टू वन टू थ्री, ये जो पहला आ लैफ्ट हैंड साइड वाला नंबर हैगा वो रो नंबर है, तो जिहड़ा राइट हैंड साइड वाला हैगा वो कॉलम नंबर है।
तो इस तरह जी मैट्रिक्स आ वो लिखी जाती है। तो जो मैट्रिक्स की एंट्रीज आ वो स्मॉल लैटर के नाल होंदियां, तो मैट्रिक्स में जो डिनोट किया जाता वो कैपिटल लैटर के नाल किया जाता। हुण असी करांगे थोड़ियां जिहियां टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सब तो पहली जी टाइप हैगी रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो नंबर ऑफ रोज़ तो नंबर ऑफ कॉलम्स होणगे। जो रोज़ तो कॉलम्स की गिणती बराबर नहीं आ, मान लो दो रोज़ आते तीन कॉलम आ, तीन रोज़ आते दो कॉलम आ, चार रोज़ आते पांच कॉलम आ, मीनस जिन्ने नंबर ऑफ रोज़ आ उन्ने नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं होणगे, तो उस मैट्रिक्स नूं तुसीं रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहोगे। जिस तरह इत्थे एग्जाम्पल जिहड़ी अपने सामने हैगी आ, इत्थे वन एंड टू, टू रोज़ ने, वन टू एंड थ्री, थ्री कॉलम्स ने, इसलिए मैट्रिक्स की है यह टू बाय थ्री। इहनूं तुसीं टू क्रॉस थ्री लिखा होया, इहनूं असीं कहिंदे टू बाय थ्री मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज़ किन्नियां ने दो, नंबर ऑफ कॉलम्स किन्ने ने तीन, इसलिए इस मैट्रिक्स नूं तुसीं की कहोगे रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सैकेंड जिहड़ी हैगी आ स्केयर मैट्रिक्स। जे नंबर ऑफ रोज़ ते नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होण, दो नंबर ऑफ रोज़ दो नंबर ऑफ कॉलम्स, थ्री नंबर ऑफ रोज़ थ्री नंबर ऑफ कॉलम्स, फोर नंबर ऑफ रोज़ फोर नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उस मैट्रिक्स नूं तुसीं की कहिंदे हो स्केयर मैट्रिक्स। जिथे कॉलम्स ते रोज़ ते नंबर सेम होणगे उस नूं तुसीं कहिंदे हो कॉलम मैट्रिक्स। नैक्सट हैगी है थोड़ा जिहा मैं करैक्ट करना चाहती, जिथे नंबर ऑफ रोज़ ते नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होणगे उस नूं तुसीं कहोगे स्केयर मैट्रिक्स। थोड़ी जी करैक्शन हैगी है, इस नूं ध्यान दे विच रखिया जावे। नैक्सट हैगी स्केयर मैट्रिक्स। जे नंबर ऑफ रोज़ ते नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होण दैन मैट्रिक्स इज सैट टू बी अ स्केयर मैट्रिक्स। जे नंबर ऑफ रोज़ ते नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही बराबर होण, जिस तरह इत्थे दित्ती गई प्रॉब्लम आ जिहड़ी आपां एग्जाम्पल लई पई आ, इत्थे नंबर ऑफ रोज़ भी टू ते नंबर ऑफ कॉलम्स भी टू हैगे आ, ये दोनों दो दो हैगे आ, तो इस नूं तुसीं की कहोगे स्केयर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज़ भी दो ते नंबर ऑफ कॉलम्स भी दो। नैक्सट हैगा डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स लई मैट्रिक्स का पहला स्केयर मैट्रिक्स होना जरूरी है, मीनस नंबर ऑफ रोज़ ते नंबर ऑफ कॉलम्स जिहड़े आ बराबर होने चाहिए आ। सब तो पहला तो जे एक मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स नहीं आ, तो जे एक मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स नहीं आ तो वो मैट्रिक्स डायगनल तो कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए सब तो पहला तो स्केयर मैट्रिक्स होवे कि नंबर ऑफ रोज़ ते नंबर ऑफ कॉलम्स जिहड़े आ बराबर होण। जिस तरह इत्थे ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू एंड ए थ्री थ्री, इत्थे मैं फिर दस दिया जिहड़े नंबर आपां लिखे की आ, फस्ट रो फस्ट कॉलम, फस्ट रो सैकेंड कॉलम, फस्ट रो थर्ड कॉलम, सैकेंड रो फस्ट कॉलम, सैकेंड रो सैकेंड कॉलम, सैकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फस्ट कॉलम, थर्ड रो सैकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। इत्थे नंबर ऑफ कॉलम्स भी थ्री ते नंबर ऑफ रोज़ भी थ्री। जो रोज़ ते कॉलम्स दोनों दोनों जिहड़े सेम नंबर होणगे ते वो जिहड़ी मैट्रिक्स आ उहदे डायगनल होण दे चांसिस हैगे आ, मीनस जे मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स हैगी आ तो उहदे डायगनल होण दे चांसिस आ। फिर एक जिहड़ी मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स आ डायगनल कदों होएगी, इहदे विच देखो जिहड़े ए वन वन ए टू टू ते ए थ्री थ्री जिहड़े नंबर आ, जिहड़े तीन नंबर जिन्हां दे नंबर ऑफ रो नंबर ते कॉलम नंबर सेम आ, जिन्हां लई रो नंबर भी एक ते कॉलम नंबर भी एक, रो नंबर भी टू ते कॉलम नंबर भी टू, रो नंबर थ्री ते कॉलम नंबर भी थ्री, जिन्हां लई रो दा नंबर ते कॉलम दा नंबर सेम आ, वो एलीमेंट्स नूं आपां डायगनल एलीमेंट्स कहिंदे आ। जे एक स्केयर मैट्रिक्स दे डायगनल एलीमेंट्स, इफ द डायगनल एलीमेंट्स ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स आर नॉन जीरो एंड ऑल अदर एलीमेंट्स आर जीरो, दैन द मैट्रिक्स इज सैट टू बी अ डायगनल मैट्रिक्स। मीनस जिहड़े डायगनल एलीमेंट्स हैगे आ वह नॉन जीरो होण सब तो पहला, तो पर वन ना होण, वन भी ना होण तो सेम भी ना होण, मेन डायगनल एलीमेंट्स वन भी ना होण, वन 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 इस तरह भी ना हो, एक वन तो हो सकता सारे ही वन वन ना होण, तो सारे ही सेम भी ना हो, सारे थ्री थ्री सारे फाइव फाइव इस तरह भी ना हो, तो उस तो इलावा जो बाकी सारे एलीमेंट्स आ उस तो उपर तो उस तो नीचे सारे जिन्हें भी एलीमेंट्स आ जो जीरो हो जी मैट्रिक्स आ उसनों तुसी की कहिंदे हो डायगनल मैट्रिक्स। ये तीन टाइप्स आपां कीतियां अज, सिर्फ एक रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिहदे विच नंबर ऑफ रोज़ ते नंबर ऑफ कॉलम्स जिहड़े बराबर जदों
नहीं होंगे तो उसनों तुसी रैक्टेंगुलर कहोगे, तो जे नंबर ऑफ रोज़ के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे तो उसनों तुसी स्केयर मैट्रिक्स कहोगे। एक स्केयर मैट्रिक्स थोड़ी डायगनल मैट्रिक्स हो सकती है जे मेन डायगनल एलीमेंट्स ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री जड़े आ वो नॉन जीरो होन, नॉन जीरो होन पर वन ना होन ते सेम भी ना होन, तां उस तो इलावा जिहड़े बाकी सारे एलीमेंट्स आ ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री तो इलावा जिहड़े बाकी एलीमेंट्स उन्हां नूं असीं नॉन डायगनल एलीमेंट्स कहिंदे आ, ते जिन्ने भी बाकी नॉन डायगनल एलीमेंट्स बचदे आ वो सारे जीरो होन ते उसनूं तुसीं डायगनल मैट्रिक्स कहिंदे हो। नैक्सट होर भी टाइप्स ने जिस तरह ये, पर ये आपां नैक्सट लैक्चर दे विच करांगे क्योंकि साडा फस्ट लैक्चर है। जे किसी नूं कितें भी कोई डाउट है, कोई क्वैरी है, किसी नूं मैट्रिसिस दा मीनिंग, किसी नूं डायगनल मैट्रिक्स, किसी नूं स्केयर मैट्रिक्स, किसी नूं रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स दा नहीं पता चलिया तो मैनूं अज ही क्वेश्चन पुछ सकदे हो। नैक्सट आपां कल करांगे। थैंक यू।